अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त एक्सपर्ट एडवाइज़र। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि ऐसा डिवाइस के जिससे आप दुनिया का कोई भी सैटेलाइट बहुत इजी पकड़ सकते हो। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, 3 से 4 घंटे इसकी मैंने ट्राई किया है प्रैक्टिकली। 4 घंटे इसके अंदर चार्जिंग हो जाती है इसकी, आप कोई भी सैटेलाइट इसके अंदर ईजिली पकड़ सकते हो। स्पेशली उन लोगों के लिए कि जो डिश का काम करते हैं या कोई प्रोफेशनल हो उसके लिए स्पेशल, उन लोगों के लिए भी है जो ज़्यादा शौकीन होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के सैटेलाइट पकड़ते हैं। ये डिवाइस अगर आप पाकिस्तान से लोगे तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा ये डिवाइस कहाँ से मिलेगा और कैसे आप इसको ले सकते हो, और वो भी हाफ कीमत के ऊपर। बहुत ईजी है, कोई मसला नहीं इसके अंदर। काफ़ी लोग डरते हैं कि हम इसको कैसे परचेज़ करें, लेकिन मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा वीडियो की लास्ट में इंशाल्लाह कि आपने कैसे इसको ख़रीदना है और कहां से ख़रीदना है। तो आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि क्या चीज़ है और ये किस तरह काम करता है। तो ये इसके ये भी मैं बताऊंगा कि ओरिजिनल का इसका किस तरह होता है और 2 नंबर किस तरह होता है। इसमें 2 नंबर भी काफ़ी बिक रहे हैं, और 2 नंबर भी बल्कि आपको जहाँ से मैं बताऊँगा उधर इसी 2 नंबर भी होते हैं और 1 नंबर भी होते हैं, लेकिन आपने 1 नंबर कैसे लेना है और 2 नंबर कैसे, ये इंशाल्लाह मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगा। वीडियो लास्ट तक देखते रहें, और उससे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। और मुझे इस वीडियो के ऊपर कम से कम 100 लाइक चाहिए आप दोस्तों का, तो अगर आप लाइक करोगे तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये एक बॉक्स होता है इसके अंदर, और इसका कवर होता है बड़ा मज़बूत कवर, स्पेशली बना होता है इसके लिए, मज़बूत कवर होता है। इसमें गाड़ी का चार्जर भी होता है एक, ये गाड़ी का चार्जर है इसके साथ। आप अगर आपके पास गाड़ी है और आप कहीं जा रहे हैं तो इसको चार्ज भी कर सकते हो। तो और इसके साथ ये 12 वोल्ट का चार्जर भी है जो आप यूज़ कर सकते हो उसको चार्जिंग में। और इसके साथ ये केबल है, इस केबल की तो मुझे समझ नहीं आई आज तक कि ये केबल किस तरह यूज़ होता है। शायद आप में से किसी को पता हो कि ये केबल किस तरह यूज़ होता है, ये इसका नहीं मुझे पता। मैनुअल यूज़र मैनुअल है इसके साथ, चाइनीज़ ज़बान में भी है, इंग्लिश ज़बान के अंदर भी है, आपको जो ज़बान समझ आती है उसको। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ईजी है इस्तेमाल करने में। तो आओ मैं आप लोगों को दिखाऊँ कि इस 1 नंबर कैसे मालूम होगा इसका और 2 नंबर कैसे मालूम होगा। तो खोलता हूँ मैं, इसको निकालता हूँ उसके जरिए बॉक्स से। तो ये बॉक्स है, अगर आप इसको देख लो बड़ा मज़बूत है, कम कीमत में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो काम कैसे करता है ये भी मैं इंशाल्लाह कोई प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा, किसी दिन इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा। पर अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को इसका ओरिजिनल और 2 नंबर हम कैसे मालूम करते हैं। अगर हम बैक साइड पर आ जाए तो ये JT Media लिखा हुआ है, JT Media के साथ ये बार कोड इसका बना हुआ है जो स्कैन होता है कि ये चीज़ ओरिजिनल है कि 2 नंबर है। असल 1 नंबर का पता यहाँ से इसके चल रहा है, ये जो कोड है 2 नंबर के अंदर ये कोड आपको नहीं मिलेगा, ये चीज़ नहीं होगी उसके ऊपर बार कोड, और ना ही ये होगा। और सबसे बड़ी जो इसकी पहचान है 1 नंबर की वो ये है कि ये अगर आप देख लो यहाँ पर V8 Finder लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर JT Media लिखा हुआ है। जो 2 नंबर होता है उसके यहाँ पर V8 Finder लिखा होता है, V71 HD नहीं लिखा होता। अगर आप गौर से देख लो मैं दिखा सकूं यहाँ पे, अगर ये देखो यहाँ पे 2 नंबर के अंदर V8 Finder लिखा होता है, यहाँ पे देखो V71 HD लिखा हुआ है। ये ओरिजिनल की पहचान है और ये JT Media का बना हुआ है, ओरिजिनल JT Media का बना हुआ है। फ्री सेट के काफ़ी आ रहे हैं लेकिन वो थोड़े लोकल टाइप के होते हैं। अगर आप देख लो यहाँ पर इसका सील भी लगा हुआ है क्वालिटी का, DVB का कोड लगा हुआ है। तो ये चीज़ है, इसके ज़रिए आप ऑडियो इन और ऑडियो आउट भी कर सकते हो, HDMI भी आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर आप। और इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे ये चार्जिंग की जगह है, यहाँ पे आप USB भी लगा सकते हो। अपग्रेडेबल है, इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है, और यहाँ पे इसका आप एंटीना का जो वायर होता है वो लगा सकते हो। अगर मैं इसको ऑन करूँ और आप लोगों को दिखाऊँ तो यूज़ में बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा मज़बूत चीज़ है, सस्ता भी है, तो आप इजीली इसको परचेज़ कर सकते हो। पाकिस्तान में लोगे तो 15,000 तक मिलेगा आप लोग, 12,000 से लेकर 15,000 तक लोग बेच रहे हैं। ये देखो ये इसके ये मेन्यू है इसका, तो मेन्यू हम दबाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन आते हैं इसके,
ये है। बहरहाल इसका जो बाकी चीज़ें हों मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में जब इसकी मैं सेटिंग करूंगा प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसकी सेटिंग कैसे करनी है, इसकी फ्रिक्वेंसी कैसे आप लोगों ने ऐड करनी है इसके अंदर, और ये सब कुछ मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्द और प्रैक्टिकली करके मैं दिखाऊंगा आप लोगों को कि कैसे। और ये सिग्नल पकड़ने में बड़ा मजबूत है, लो सिग्नल भी बड़ी मजबूती के साथ पकड़ता है, जो HD नहीं पकड़ता रिसीवर वो, या जो HD रिसीवर नहीं पकड़ता ये, वो भी सिग्नल पकड़ लेता है। और इसके अंदर एक वो भी ऑप्शन है कि आप सैटेलाइट के नज़दीक हैं, आसे पासे हैं, ये भी वो भी बता देता है कि आप इस एरिया के अंदर आपका सैटेलाइट मतलब सैटेलाइट है। बड़ी ज़बरदस्त, अगर आप देख लो यहाँ पे लाइट या मुख्तलिफ किस्म की है, इनके ज़रिए आपको ये बता रहा होता है कि आप सैटेलाइट के बिल्कुल करीब आ गए। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अब मैं बताता हूँ आप लोगों को ये कहाँ से परचेज़ करना है। चाइना का एक वेबसाइट है aliexpress.com, उसके ऊपर आप GT मीडिया स्टोर को आप लोगों ने क्लिक करना है। वहाँ पे अगर आप जाते हो सेटिंग के अंदर, उसके ऊपर भी अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा कि कहाँ से परचेज करना है तो आप लोग मेरे कमेंट्स में लिखो, मैं आप लोगों को लिंक्स सेंड कर दूंगा उसका, बल्कि बता दूंगा कि किस से कहाँ से परचेज करना है। तो ये मुझे पड़ा है $58 का, जब ये डॉलर जिस वक्त ये 129 का था, $58 का मुझे पड़ा था। तो कोई कस्टम नहीं है इसके अंदर, कोई वो नहीं है। बड़े लोग कस्टम से डरते हैं कि यार हमारा कस्टम में फंस जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। मैंने काफ़ी चीज़ें मंगवाई है चाइना से, कोई कस्टम नहीं, कस्टम होता है सिर्फ मोबाइल के ऊपर। अगर आप थोड़े सा अकल से काम लो और आप अगर ये पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आ रहे हैं, आपसे पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ तो नहीं है, आपने कहा नहीं भाई घर की इस्तेमाल की कोई चीज़ है, डेकोरेशन की कोई चीज़ है, वो ये चीज़ नहीं चेक करते। हाँ, अगर वो बड़े पोस्ट ऑफिस के अंदर रुक जाएगा तो फिर आप लोगों का मसला बन जाएगा, तो आप लोगों को 1000 से 1500 रुपये पे करने पड़ेंगे, 1000 हो सकता है, 1200 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। वो भी NOC आप लोग ऑनलाइन क्लियर कर सकते हो, उसके ज़रिए आप पैसे दे सकते हो, तो ये हो जाएगा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, बाकी आप लोग इसके ऊपर पैसे मत खर्च करो। जब आप TV लेते हो उसके साथ फिर रिसीवर टच करते हो, फिर वो TV लेकर फिरना पड़ता है उसके लिए, इस पर बिल्कुल पैसे खर्च मत करो। एक दफ़ा पैसे खर्च करो, अच्छी चीज़ है, इस्तेमाल में लेकर आओ, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा इसका इस्तेमाल करने का। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन पर क्लिक करो ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक पहुँच सके। आप और वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको फ़ायदा हो। पाकिस्तान के अंदर महंगा फिर कह रहा हूँ, ये चाइना से मंगवाओ, आ जाती है चीज़, नहीं रुकती, चाइनीज़ कभी दो नंबरी नहीं करते। आपने जो चीज़ मंगवाई है वो चीज़ हो क्या आती है आपके पास। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने खरीदी, एक भी चीज़ आज तक मिस्टेक नहीं हुई, मेरे तक पहुँची। अगर डैमेज होती है तो वो आपको पैसे रिटर्न करेंगे, मेरे साथ डैमेज वाला मसला भी हुआ है, पैसे भी रिटर्न हो जाते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप बेधड़क खरीदो, आप ले लो वहाँ से, AliExpress से ले लो, मैं रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को, आपके पैसे भी बचेंगे, आपका वक्त भी बचेगा, सब कुछ बचेगा। इंशाल्लाह अपने दुआओं में याद रखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।